हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। ये हमारा टेस्ट नंबर 21 है, 21st है। अब तक हम लोग 20 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं सारे टेस्ट। ओके। और ये टेस्ट सीरीज जो है, ये मैं आपको बता दूँ, ये UPPCS अपर सबॉर्डिनेट और लोअर PCS यानी UP SSSC का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके अलावा अगर आप कोई अदर स्टेट PSC एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी ये टेस्ट सीरीज, या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें GS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस सेशन को, इस पूरी टेस्ट सीरीज़ को आप एक नॉलेज बूस्टर की तरह अगर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओके। क्योंकि क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इतिहास भूगोल तो वही रहता है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं प्रॉब्लम होती है हिंदी में समझने में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, उसके बाद 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। और वीडियो के एंड में आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ऑल राइट, ताकि हमें थोड़ा सा अनुमान लग सके कि किस लेवल के क्वेश्चन रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ वॉज टेकन अवे इन 1739 बाई। शाहजहाँ के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को 1739 में कौन ले गया था? ऑप्शन है, अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली, पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह यानी फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल इन्वेडर चंगेज खां, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो शाहजहाँ का मयूर सिंहासन था, तो देखिए क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी नॉलेज चीज़ें पता चल जाती हैं कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था और किसके पास था, शाहजहाँ के पास था, और 1739 में एक आक्रमणकारी ले गया था, कौन ले गया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और फिर अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, पर्सियन इन्वेडर नादिर शाह। तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, इसने जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और भारी कत्लेआम किया था वहाँ पर लूटपाट के साथ में, और यहाँ से जो है शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन था उसको ले गया था और साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया था। तो अगर पूछा जाए कि कोहिनूर हीरा कौन ले गया था, तो वो भी 1739 में नादिर शाह ले गया था आक्रमण के समय में। ओके। तो इसका आंसर हो गया बी। और यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं अहमद शाह अब्दाली, तो इनके साथ ये इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है, अक्सर आपने पढ़ा होगा इतिहास में। यहाँ पे बता दें आपको, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तीन युद्ध हुए थे पानीपत में, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ओके। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिए आप। इसका आंसर था बी। ओके। इसके बाद है, आप अभी सिर्फ आंसर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को बताइए, मैं आपको लास्ट में फिर से एक बार जल्दी से बता दूंगा आंसर ताकि काउंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल। तो दिवस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। इसका राइट आंसर होगा 25 अप्रैल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली हु अटेम्प्टेड द कन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वाज। दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था। तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन मुबारक, बहादुर शाह प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलाउद्दीन फिरोज। देखिए, अगर आपने, मैंने बहुत पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी NCERT की, तो 7th क्लास की जो NCERT है उसका तीसरा चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के अपलोड किए थे, आप देख भी सकते हैं, जाकर सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में या फिर वैसे मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, NCERT का क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो कौन सा वो सुल्तान था पहला जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके। अच्छा, एक ऑप्शन तो इसमें आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते। ये कौन थे? ये तो मुगल बादशाह थे। यहाँ पर सुल्तान की बात की गई, दिल्ली सल्तनत,
बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब के बेटे थे। ओके, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएट कालिदासा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ द रूलर नेम्ड। कवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद है हर्षवर्धन। तो किसके दरबार में थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका सी आंसर होगा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगर विक्रमादित्य ना लिखकर वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो आप याद रखें। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था, ठीक है, तो इनके बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, और यही विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे, और इन्हीं के दरबार में कवि कालिदास थे। कालिदास की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंश है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और ये गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन, रविकीर्त, वाणभट्ट, बाणभट्ट, या फिर विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर हो गया बाणभट्ट। ओके, सी इसका राइट आंसर है। इसके अच्छा, हरिसेन कौन थे? ये भी आपने पढ़ा होगा 6th क्लास के NCERT में। हरिसेन एक प्रसिद्ध, इनकी ये क्यों प्रसिद्ध हैं? अच्छा, प्रयाग प्रशस्त के बारे में आपने सुना होगा, और ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने ही लिखा था, हरिश्चंद्र ने ही। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम जो है वो बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पृथ्वीराज चौहान्स फादर। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जीत चौहान, या फिर हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान, या फिर त्रिलोक चौहान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अच्छा, यहाँ जब भी पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो आप पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समझेंगे, ठीक है, यही प्रसिद्ध चौहान वंश के राजा थे तृतीय। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर चौहान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता आपको तो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? तो ये तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं यूपी के स्पेसिफिक, मतलब जो यूपी से पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं राज्यसभा की? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, और हालांकि सीटों की संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि यूपी के बाद महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा सीटें। इसके बाद है, हु वाज द राइटर ऑफ पंचतंत्र। तो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखकों के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं कौटिल्य, पुष्यगुप्त, विष्णु शर्मा, या फिर विशाख दत्त। पंचतंत्र के लेखक हैं, इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा जी। ऑल राइट, तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल यानी शराब, ईथर, या फिर जल गैस यानी वाटर गैस, या फिर नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन शराब तो नहीं हो सकती, हालांकि कुछ लोगों के लिए ईंधन अवश्य है। ओके, ईथर भी नहीं हो सकता, जल गैस भी नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। आपने 6th क्लास की NCERT में पढ़ा होगा, या 6th क्लास में होंगे तो पढ़ा होगा कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो पढ़ा होगा उसमें कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के भीतर भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप
मतलब हजारों जो जीव जंतु और वनस्पतियां जो दब गए वही बाद में जीवाश्म ईंधन बन गए, वही बाद में ईंधन बन गए जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये पढ़ा होगा आपने। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड जीना फ्रॉम विच द जैनिज्म हैज़ ओरिजिनेटेड स्टैंड्स फॉर, द वर्ड जीना फ्रॉम विच द जैनिज्म हैज़ ओरिजिनेटेड स्टैंड्स फॉर, शब्द जीना जिसमें से जैन धर्म का जन्म हुआ है उसका अर्थ क्या है? ग्रेट यानी महान, डिटेस्ट या फिर नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, या फिर कंक्वेरर ऑफ सेंसेस यानी इंद्रियों का विजेता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा कंक्वेरर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का विजेता। तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। तो आपको एक जल्दी से आंसर बता देते हैं, फिर आप बताइए कितने सही थे आपके। जो मयूर सिंहासन वाला था इसका आंसर होगा नादिर शाह, उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, फिर था ये दक्षिण भारत की विजय का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद है कालिदास, ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, उसके बाद है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, और फिर है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान। उत्तर प्रदेश के बाद राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र में, और फिर है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, उसके बाद जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और जैन धर्म। जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। तो दोस्तों आप हमें ये बताएं, कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत आपको मैसेज चला जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।